जय महाकाल। বাকী আছে আৰু এতিয়া বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যিসকল সাধু সন্ত আছে সেইসকল আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে শক্তিপীঠ কামাখ্যালৈ আৰু যি ইয়াত যিহেতু যিসমূহ আখৰা আছে সেই আখৰাসমূহলৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা সাধু সন্তসকল আহিছে আৰু কালি আহি উপস্থিত হৈছেহি কিন্নৰ আখৰাৰ ভৱানী মা তেওঁ আহি উপস্থিত হৈছেহি আৰু ইতিমধ্যে তেওঁক চাবলৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তসকলো আহিছে আমি কথা পাতিম তেওঁৰ সৈতে যিহেতু অম্বুবাচীৰ সময়ত সাধনা লাভ কৰিবলৈ এই সময়ত শক্তিপীঠ কামাখ্যালৈ সাধু সন্তসকল আহে আৰু এই তিনিটা দিনত তেওঁলোকে কি সাধনা কৰে কি শক্তি তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ সাধনা কৰি তেওঁলোকে যি বিচাৰে সেইখিনি তেওঁলোকে লাভ কৰিবলৈ কি ধৰণে সক্ষম হয় আমি কথা পাতিম। जय श्री महाकाल। मैं भवानी माँ किन्नर अखाड़े की महामंत्री और तंत्र साधक 51 तंत्र साधक के पीठाधीश्वर किन्नर अखाड़े से और महामंडलेश्वर हूँ मैं और नागा सन्यासी हूँ मैं तेरामणि से और हरिगिरि महाराज जी की शिष्य हूँ। तो मेरा यहाँ पे आना तो कहते हैं ना कि आदिकाल से थी मैं जब तक 51 पीठ वहाँ पे किन्नरों का ही बसेरा था है और रहेगा क्योंकि किन्नर सत्य है। जब हम राम को लोरी दिया सीता को सदा सुहागन का वो गाया और बुद्ध का दान किन्नरों ने लिया तो ये तो मेरा नाम काम ही है कि मैं स्वयं एक घिरे हूँ और जहाँ पे सत्य होगा वहाँ पे किन्नर होगा। आप वेदों को उठा के देख लीजिए तो यहाँ पे मेरे लिए कोई नया नहीं है। ये मेरे अपने परिवार है, ये मेरा अपना समाज है, ये संत हैं, हम किन्नर हैं। ये समाज के लिए अपना घर छोड़ा है, हमको समाज ने आपके लिए छोड़ा है। हम दुआ करने वाले लोग और 51 पीठ हमारे हैं और सनातन धर्म की पद्धति है और यहाँ पे आना किसको अच्छा है? माँ के पास बच्चों का आना किसको अच्छा लगेगा? इंसान का आप नर हो सकते हो, नारी हो सकते, किन्नर हो सकते, लेकिन आत्मा की माँ होती है और माँ का सबसे बड़ा स्वरूप कामाख्या। यहाँ पे आना सबको अच्छा लगता, अपना को सौभाग्यशाली समझता है और सनातन धर्म से लेके और हमारे संविधान से लेके जो कहते ना कि सबसे बड़ा सम्मान देने का अधिकार है तो सनातन धर्म में है। सबसे पिछड़ा हो बोलो समाज हिंदुस्तान में किन्नर समाज था, उनका कोई जाति नहीं था, उनका कोई मूल अधिकार नहीं था। संविधान ने हमें सब कुछ दिया, धर्म से मांगा धर्म ने भी दिया और जो किन्नरों की पहले उत्पत्ति थी कहते कि देव देवालयों में किन्नर रहते थे, उपदेवता किन्नर थे। आज हम जो मौजूदा सरकार में कह सकते कि हाँ सत्य सनातन की जीत हो रही है तो अपने धर्म के बीच में आके और सबको अपने साधु संत समाज में आके क्योंकि ये हमारे हैं, हम इनके हैं, तुम हमारे हो। व्यवस्थाएं हमारे लिए बनाई जाती है, सरकार जो कर रही है हमारे लिए करे और जो हम यहाँ पे आके कर रहे वो आपके लिए कर रहे। साधु भी आपके लिए करता है और किन्नर भी आपके लिए करते क्योंकि धर्म से बढ़कर कोई जात नहीं है, धर्म से बढ़कर कोई देश नहीं है। धर्म बचेगा, देश बचेगा, देश बचेगा तो जात बचेगी और जात बचेगी तो भाई बहन अपना पराया बचेगा और सभ्यताएं बचेंगी। पहले धर्म बचाओ क्योंकि इस समय धर्म को बहुत जरूरत है अपने नौजवानों की। सत्य के साथ चलिए, मौजूदा सरकार जो कर रही है सत्य के लिए ही कर रही है क्योंकि किन्नर समाज हमेशा सत्य के लिए चाहा है क्योंकि राम की लड़ाई हमने 2018 में करी थी। राम मंदिर के लिए हम हमेशा लड़े क्योंकि राम को लोरी किन्नरों ने दी है। जब राम नाम सत्य तो किन्नर सत्य हो नहीं सकता। ये सत्य सनातन की जीत है कि आज किन्नर वही अपने मान सम्मान और स्वाभिमान से बैठा जो उसका स्वाभिमान था। आज देख लीजिए ना कलयुग में गली गली पिट रहा है और किन्नर जंगल में भी पूज रहा है। यह है सत्य सनातन की जीत। बाकी जो जितने हैं मुझसे मेरे भाई हैं नित्यानंद जी, आप इनसे आगे की जितनी भी है क्योंकि नौ की जिम्मेदारी है मेला लेके चलना, मैं तो नौ की बहन हूँ, जैसे भी होगा चलेगा। बाकी सुविधाएं हैं कि इन सुविधाएं नहीं है और जो मुख्यमंत्री जो हमारे यहाँ के वो मेरे को बहुत इज्जत करते हैं, एक एक संतों की इज्जत करते हैं। वो स्वयं नहीं आ पाते तो लेकिन एक एक से खबर भी पूछते कि संतों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ऐसे मुख्यमंत्री ऐसे प्रधानमंत्री
बहुत मुश्किल से पैदा होते हैं, तो इनों का हमें साथ देना है, समाज साथ दे रहा है, क्योंकि धर्म को जिताना आज धर्म मौजूदा सरकार के साथ है। जय महाकाल।